और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। गैस सिलेंडर फटने से 5 घर गिर गए हैं। मुंबई के चैम्बर कैंप एरिया में ये हादसा हुआ है। मकान गिरने से कई लोग मलबे में दबे हुए हैं और दमकल की टीम जो है वो मौके पर पहुंच गई है और बचाव अभियान जो है वो शुरू हो चुका है। सुनील सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुनील, कैसे हुआ है ये हादसा और इस वक्त क्या जानकारी इसको लेकर मिल रही है? अदिति, मुंबई के चेंबूर में चेंबूर क्लब के पास ये पुरानी बैरक यानी चाल नुमा टाइप जो है मकान है जिसमें ग्राउंड प्लस वन है। सुबह 8 बजे के करीब बताया जा रहा है कि सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और जिसकी वजह से 4 से 5 मकान जो है वो ढह गए। शुरुआती जो जानकारी आई है बीएमसी की तरफ से, उससे ये पता चला कि 11 लोग फंसे थे पहली मंजिल पर। उन सभी लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है, जिसमें से 4 जख्मी हैं जिन्हें कि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमकल कर्मी, बीएमसी कर्मी और बाकी बचाव कर्मी वहां पर मौजूद हैं और भी जो मलबा नीचे है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि क्या कोई और उसमें फंसा है या नहीं, लेकिन ये प्रशासन की तरफ बताया गया है कि 11 लोग थे जो पहली मंजिल पर फंस गए थे, उन्हें निकाल दिया गया है, जिसमें से 4 लोग जख्मी हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। तो चैम्बर कैंप ये इलाका है जहां पर ये हादसा हुआ है, सिलेंडर फटा है जिसके बाद 5 मकान गिर गए हैं, 11 लोगों को अब तक निकाला जा चुका है।